जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पोस्ट चैनल फॉर यू पे। मैं हूं चंद्रशेखर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी रायपुर एसोसिएशन अकाउंटेंसी और पोस्ट चैनल फॉर यू का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांसपोर्ट प्लेन के बारे में देखेंगे, जो कि जवानों को एक से दूसरे जगह पहुँचाने में मदद करते हैं, साथ ही खान पान और असर पहुँचाने में मदद करते हैं और किसी भी प्रकार के आपदा के बचाव कार्य में और जंग के समय पर हथियारों को समय पर पहुँचाने में सबसे ज्यादा कारगर होते हैं। तो इस लिस्ट को देखकर उससे पहले बता दूं दोस्तों कि भारतीय वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी हेलीकॉप्टर हैं उनकी भी लिस्ट हमने बनाई है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। और चलिए अब समर्थन फूकते हैं और सबसे पहले देखते हैं एक पंक्ति के बारे में, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे हम बोइंग 737 के बारे में। तो बोइंग 737 ट्विन इंजन टर्बोफैन वाला अमेरिका के बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसे हिंदुस्तान वीआईपी पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल करता है और इसकी कुल क्षमता 60 यात्री तक की है और इसकी अधिकतम रफ्तार 943 किलोमीटर प्रति घंटे की है और तीन बोइंग 737 अभी वायुसेना में शामिल है। अगला नंबर है ड्रोनियर का, जो कि दो इंजन टर्बो प्रोपेलर वाला प्लेन है, जिसे जर्मनी में बनाया गया है, लेकिन HAL के पास इसका लाइसेंस है जो कि ड्रोनियर प्लेन बनाती है और इसकी यात्री क्षमता 19 पैसेंजर तक की है या फिर 2057 किलोग्राम तक का यह भार उठा सकती है और इसकी अधिकतम रफ्तार 428 किलोमीटर प्रति घंटे की है और वायुसेना के साथ ही नौसेना और कोस्ट गार्ड भी इसे इस्तेमाल करती है। और बता दें दोस्तों कि करीब 50 ड्रोनियर अभी वायुसेना में शामिल है। AVRO ट्विन इंजन टर्बो प्रोपेलर वाला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट या फिर मालवाहक प्लेन है। इसकी क्षमता 48 पैराट्रूपर या फिर 6 टन तक का माल ले जाने में सक्षम है और इसकी अधिकतम रफ्तार 452 किलोमीटर प्रति घंटे की है और 57 AVRO अभी वायुसेना में शामिल है। एम्ब्रर एक ऐसा जेट प्लेन जिसकी दुर्घटना का अभी तक का कोई भी लेखा जोखा नहीं है। एम्ब्रर को VVIPs और VIPs को भारत के साथ साथ विदेश भी ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी यात्री क्षमता 40 यात्री तक की है और करीब 4 एम्ब्रर अभी वायुसेना में शामिल है। AN-32 ट्विन इंजन टर्बो प्रोपेलर वाला मीडियम टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट प्लेन है, जिसे यूक्रेन के एंटोनो कंपनी द्वारा बनाया गया। AN-32 को AN-26 के इंजन को बदलकर बनाया गया। इसकी क्षमता 39 पैराट्रूपर्स या फिर 6.7 टन का भार उठाने में सक्षम है, साथ ही इसकी अधिकतम रफ्तार 530 किलोमीटर प्रति घंटे की है और हिंदुस्तान की वायुसेना के पास करीब 104 एंटोनो AN-32 अभी शामिल है। और हाँ दोस्तों, अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास मैं जो वीडियो लाता हूँ उससे रिलेटेड फैक्ट की वीडियो एक मिनट की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, तो वहाँ पास भी आप हमें जरूर फॉलो करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पास से हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। IL-76 चार इंजन भारी मालवाहक लंबी दूरी के लिए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और IL-76 को रशियन कंपनी के द्वारा बनाया गया। इसकी क्षमता 225 पैराट्रूपर या फिर 40 टन का माल ले जाने में सक्षम है और वायुसेना में करीब 14 IL-76 अभी शामिल है। C-17 ग्लोबमास्टर ग्लोबमास्टर अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया, जो कि स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 830 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये 40 से 70 टन का माल ले जाने में सक्षम और C-17 ग्लोबमास्टर एक बार में 4000 से 9000 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं। C-130J सुपर हरक्यूलिस अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा बनाया गया। C-130J चार टर्बो प्रोपेलर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के साथ साथ पैराड्रॉप या फिर आपदा के समय में बचाव कार्य में इस्तेमाल किया जाता है और ये छोटे एयरपोर्ट से भी उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 670 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी भार क्षमता 70 टन से ज्यादा है। और आपको बता दूं दोस्तों कि सुपर हरक्यूलिस DBO या फिर दौलत बेग ओल्डी मिलिट्री बेस पे उतरने वाला सबसे भारी एयरक्राफ्ट है। और साथ ही ये भी बता दूं कि भारतीय वायुसेना में करीब 11 C-130J सुपर हरक्यूलिस अभी शामिल है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो भारतीय वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। कैसा लगा जरूर बताएगी नीचे कमेंट करके। फेस वीडियो में नहीं बना सकता दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और वीडियो लेट आया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। साथ ही सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।